नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आपका स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में पहली बार खिताब जीतने का सपना देख रही रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम का एक बार फिर से सपना टूट गया है। विराट कोहली की कप्तानी में आरसीबी की टीम ने एक बार फिर से प्लेऑफ में जगह बनाई, जिसके बाद वो खिताब जीतने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन शुक्रवार को सनराइजर हैदराबाद ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को सनराइजर हैदराबाद ने बल्लेबाजी में केवल 131 रन के स्कोर पर ही रोक लिया, जिसके बाद सनराइजर हैदराबाद की टीम ने इस लक्ष्य को आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। आरसीबी की टीम इस मैच में केवल 131 रन का स्कोर ही बना सकी। इसके बाद सनराइजर हैदराबाद की टीम ने शानदार जीत के साथ प्लेऑफ में जगह बना ली, तो वहीं आरसीबी की टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। इसके बाद गौतम गंभीर ने तो आरसीबी को प्लेऑफ तक के लायक नहीं माना। गौतम गंभीर ने ESPN पर बात करते हुए कहा कि आप चाहे जितना भी इनका बचाव करें, मेरे हिसाब से ये टीम प्लेऑफ में पहुंचने के काबिल नहीं थी। ये टीम बैटिंग और बॉलिंग दोनों मोर्चे पर फेल रही। हाँ, गेंदबाजों ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया। बता दें, आरसीबी की हार के लिए गौतम गंभीर ने टीम मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें उन्होंने विराट कोहली का नाम तो नहीं लिया, लेकिन लीडरशिप को आड़े हाथ लिया है। गंभीर ने कहा कि जब तक हार के लिए लीडरशिप को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। मैं सपोर्ट स्टाफ, कोच, बैटिंग कोच, हर किसी के लिए काफ़ी दुखी हूँ। हर साल कोच बदल जाता है, लेकिन समस्या कहीं और है। बताते पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने कहा कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए विराट कोहली से हटकर अपना कप्तान ढूंढने के लिए ये बिल्कुल सही समय है। 32 वर्षीय कोहली 2013 से उनके कप्तान हैं और 8 साल में अपनी टीम के लिए एक खिताब भी नहीं जीत पाए हैं। बता दें, इसके अलावा इसी क्रम में संजय मांजरेकर ने भी आरसीबी की टीम पर सवाल खड़े किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि आरसीबी के साथ दिक्कत है कि ये टीम 5 मैच जीतती है और फिर 5 मैच हारती है। प्लेऑफ में पहुंचना बड़ी बात नहीं है, यहां 8 में से 4 टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करती हैं, 50% टीमों को प्लेऑफ में जगह मिल ही जाती है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।